यस yes, बच्चो वी आर बैक वी आर बैक वी आर बैक ओके मैं लाइव भी हूँ ठीक है चलो थोड़ी देर मैंने सोचा थोड़ा सा खड़ा हो जाते हैं यस <coughs> yes, बच्चो वी आर डूइंग पॉलिनेशन पॉलिनेशन को कंटिन्यू करेंगे ठीक है uh, मैं आपका अपना इंट्रोडक्शन पहले दे चुकी हूँ आप पिछले सेशन से भी ये चीज़ निकाल सकते हैं ठीक है आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह बच्चों मैंने पीएचडी एच डी कराया एमएससी कराए बाकी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं अभी आपको बच्चों ट्वेंटी परसेंट का ऑफ चल रहा है जब आप कोड लगाएंगे गार्गी तो आपको हर एक कोर्स के ऊपर ट्वेंटी परसेंट का ऑफ मिलने वाला है येस ठीक है उसके साथ साथ आप मेरे गाइडेंस मेरे मेंटोरशिप में भी आ जाओगे एंड बच्चों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आज हम हमने ये चैप्टर आज हम पॉलिनेशन तक खत्म कर लेंगे तो, तो उस तक जितने भी जितने भी पॉसिबल पीवाई क्यूज है ना सारे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं ठीक है yes. यस और कल अपना मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का टेस्ट होने वाला है ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस मेरे क्वेश्चंस होंगे ये हमने अभी करा ठीक है हमने अभी देखा बेसिक्स हमने कवर कर लिए स्टार्ट विद द टाइप्स ठीक है टाइप्स क्या है ऑन द बेसिस ऑफ एजेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स बच्चों क्या क्या टाइप्स हैं अपने जरा देखे तो यस yes. ठीक है टाइप्स ऑफ पॉलीनेशन अभी भी मैंने टाइप्स ही करवाई थी पहले लेकिन वो किसके बेसिस पे थी कि एक प्लांट इन्वॉल्व है दो हैं एक फूल इन्वॉल्व है दो फूल वो अब ये क्या करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेटर्स टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एजेंट्स ठीक है पॉलिनेटिंग एजेंट्स आप लिख सकते हो एजेंट्स ठीक है तो अपने पास ये होगा अब मेरी बात सुनो जितना मैं बिल्कुल भी उससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाने वाला दिस इज जस्ट टू मेमोराइज में क्या इस पार, मेमोराइज करने वाली चीजें ज्यादा है तो आपको बिल्कुल भी उससे बाहर नहीं जाना और मैं तुम्हें बताती जाऊंगी कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं सबसे पहले बच्चों ठीक है सबसे पहले इसमें हम जो ऑटोगेमी पढ़ते थे ना ऑटोगेमी उसमें उसी में ऑटोगेमी में ना एक चीज बताती हूँ तुम्हें रुक जाओ रुक जाओ बिफोर वी स्टार्ट विद दिस टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट इससे पहले ना मैं तुम्हें एक चीज और बताती हूँ ठीक है एक और बात बताती हूँ एंड दैट इज दैट इज बच्चों कि कभी कभी ना कुछ कुछ प्लांट्स में क्या होता है मान लो ये मेरा प्लांट है ठीक है ये मेरा फूल है नॉर्मल फूल खिल गया है ना ऐसे खुला हुआ फूल है ये वाला फूल भी एकदम नॉर्मल खिला हुआ फूल है इट इज ओपन ओपन लेकिन इसी प्लांट के इसी प्लांट के नीचे वाले पोर्शंस में कैसे फूल हैं जो बंद रहते हैं हमेशा ये देखो हमेशा बंद रहते हैं और ये हमेशा नीचे वाली तरफ मिलते हैं मुझे ठीक है ये कहाँ मिलते हैं नीचे वाली तरफ ही मिलते हैं मुझे दीज फ्लावर्स जो कभी भी खुलते नहीं है बच्चों ठीक है इनको हम क्या बोलते हैं दे आर फ्लावर्स कभी नहीं खुलते और क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछा जाता है भाई लोगों ठीक है अच्छा नहीं बोलती भाई नहीं बोलती एक बच्चा ना गुस्सा हो गया था मैम प्लीज भाई मत बोलो ओके ठीक है ओके बच्चों ठीक है डन ठीक <coughs> है डन ओके मैम आई गॉट सिक्स फिफ्टी सिक्स मार्क्स वेरी गुड बच्चो वेरी गुड वेरी गुड चलो तो so, इनको क्या बोलेंगे दे आर नोन एज क्लीस्टो गैमस फ्लावर्स बंद हैं जो ठीक है एक्चुअली आपने आपने क्लोस्टोफोबिया वर्ड सुना होगा बंद जगहों का uh, डर ठीक है मैं किसी बंद जगह पे कहीं बंद uh, ना रह जाऊं वो इधर से ही आया है क्लीस्टो का मतलब होता है या क्लोस्टो का मतलब होता है बंद ठीक है सो राइट क्लीस्टो गैमस ये इतना मोटू क्यों चल रहा है गैमस फ्लावर ठीक है मेरा जो फूल है वो कैसा है बंद है बच्चो दे डू नॉट ओपन कभी नहीं खुलते ऊपर क्वेश्चन सबसे पहले तुम्हें एग्जाम्पल पूछ लेंगे ठीक है कि भाई ये बताओ इनमें से क्लीस्टोगैमस कौन से हैं यू विल से इसका एक छोटा सा ट्रिक है <coughs> <coughs> अच्छा वर्ल्ड बेस्ट पेंटर अवार्ड गोज टू गार्गी मैम हाँ हाँ टांग खींच लो मेरी हां हां बहुत बढ़िया बात है है ना सी ओ वी ठीक है बच्चों सी ओ वी कोविड से तुम याद रख सकते हो तो सी इज योर कोमलीना नेम ऑफ द प्लांट जिसमें मुझे क्लिस्टोग फ्लावर्स मिलेंगे ठीक है यस एंड वी इज फॉर वायोला वायोला जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं बच्चों पेंसी प्यार से क्या बोलते हैं पेंसी ये याद हो जाएगा ये याद हो जाएगा ठीक है ये याद हो जाएगा यस yes, बच्चों पहला पार्ट आ, अच्छा मुझे टेक्निकल मास्टर पूछा मैम हमें पहला कार्ट पार्ट कहाँ मिलेगा बच्चों पहला पार्ट आपको यही मिलेगा मैंने अभी दो मिनट पहले, पहले पहला पार्ट करवाया सिर्फ दो मिनट हुआ है बच्चे सिर्फ दो मिनट हुआ है ठीक है याद हो जाएगा क्या एग्जांपल है क्लिस्टो फ्लावर के सी ओ वी ठीक है कॉमलिना ऑक्जालिस एंड वायोला तो आप हमेशा बता दोगे अगर क्वेश्चन में पूछ ले बताओ इनमें से कौन सा क्लिस्टोम फ्लावर किसके पास होते तो तुम बता पाओगे यस वेरी गुड वेरी गुड अब आ जाओ यहां पर जो नॉर्मल फूल है हमारे इन इन इनके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दे दें या इनको इग्नोर करने वाले हो तुम तो? ये जो खुल जाते हैं बच्चों द फ्लावर्स दैट ओपन इनको हम बोलते हैं कैजमो गैमस कैजमो गैमस फ्लावर्स ठीक है दे ओपन वर्स दे ओपन अप दे ओपन अप और जो फूल खुल जाएगा वहां पर हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन होता है ठीक है और ये वाला जो फूल है बच्चों इस पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है तुम्हारा कैजमो क्लिस्टोगैमस में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहां पर हमेशा क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन होता है ह्योर ऑलवेज सेल्फ पॉलिनेशन क्यों अगर 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 ये ओपन ही नहीं होगा तो किसी और के पॉलन ग्रेन्स तो लैंड ही नहीं होंगे हमेशा ये क्या करे ऐसे बंद रहेगा ठीक है तो एंथर में हुआ एंथर में से पॉलन बने वो निकले अपने ही स्टिग्मा के ऊपर लैंड हो गए अगर खुलेगा ही नहीं तो कैसे आएंगे किसी और से बातचीत कैसे होगी नहीं हो पाएगी ना बच्चों यस नहीं हो पाएगी ना ठीक है यस yes, नहीं हो पाएगी यस yes, ओके okay. चलो सो ऑलवेज सेल्फ पॉलिनेशन यहां होगा यस yes, बच्चों कॉमलिना में दोनों तरह के फूल आपको मिलेंगे बोथ टाइप फ्लावर आपको यहां मिलेंगे ठीक है कैजमो uh, फ्लावर तो हर किसी में ही होते हैं वो तो होंगे ही होंगे लेकिन उसके अलावा यहाँ पे फ्लावर भी मिलते हैं तो यहाँ ऑलवेज सेल्फ पॉलिनेशन होगा बच्चों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसका फायदा क्या है क्यों में कुछ प्लांट्स ने अपने बंद फूल भी बना लिए क्यों नहीं ओपन करा उनको ऐसा क्या फायदा होगा बच्चों बताओ कैसमोग बाइसेक्शुअल होते हैं बिल्कुल होते हैं बाइसेक्शुअल तभी तो बच्चों सेल्फ पॉलीनेशन होगा अब <laughs> तुम तो फिर से वही बातें कर रहे हो कि भाई बाई तो होना पड़ेगा ना बच्चे अगर पॉलिनेशन कराना है सेल्फ पॉलिनेशन कराना है तो बाई होना पड़ेगा है ना ओके कैजमो गैमस में बच्चों क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है ऑलवेज सेल्फ पॉलिनेशन यहां होगा क्योंकि बंद है इसका फायदा क्या है इसका एडवांटेज क्या है बच्चों लिखो यहां एडवांटेज एडवांटेज ये है कि मेरे को बीज पे या फिर बर्ड्स के ऊपर या फिर कोई भी पॉलिनेटर है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है मैं आत्मनिर्भर बन जाऊँगी क्योंकि मैं सेल्फ पॉलिनेशन कर रही हूँ हमेशा जो सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं उनको कभी भी दूसरे पॉलिनेटिंग एजेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती बच्चों ठीक है नहीं पड़ती ओके यस डन ओके लिख दे हा सो सीड सेट यहां पे होगा इवन इन द ऑफ पॉलिनेटर एडवांटेज क्या है बच्चों सीड सेट अब तुम सोचोगे मैम सीड सेट क्या होता है हे भगवान सीड सेट मतलब सीड बनना और सीड कब बनेगा जब पॉलिनेशन होगा फर्टिलाइजेशन होगा ठीक है सीड सेट का मतलब सिर्फ सिंपल है सीड फॉर्मेशन सीड सेट इवन इन एबसेंस ऑफ एबसेंस ऑफ pollinators, ठीक है चाहे पॉलीनेटर हो या ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा तो सीड बनेगा ही बनेगा क्यों क्योंकि पॉलीनेशन होगा ठीक है क्योंकि फर्टिलाइजेशन होगा यस बच्चो हाँ, ओके okay, चलो <laughs> तो यस yes. ओके okay? ये वाली बात हो गई अपनी खत्म बोल दीजिए अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीनेटिंग एजेंट ठीक है दो प्रकार के होंगे भाई दो प्रकार के होंगे बच्चों एक होगा बायोटिक एक होगा ए बायोटिक ठीक है यस लिखो बायोटिक पहले ए बायोटिक लिख लेते हैं ए बायोटिक लिख लेते हैं ठीक है और यहां पे लिखेंगे बायोटिक ऑब्वियसली बच्चों जो नॉन लिविंग है ये क्या हो गया ओके okay. जो नॉन लिविंग है वो आपके आ जाएंगे ए बायोटिक में बच्चों नॉन लिविंग वाले कौन से हैं नॉन लिविंग वाले कौन से फैक्टर्स आएंगे यहां पे कौन से एजेंट्स आएंगे फटाफट से लिखो यार पानी और हवा ठीक है वॉटर एंड विंड और यहाँ कौन आ जाएगा यहाँ कौन आ जाएगा यहाँ आ जाएंगे इंसेक्ट्स ठीक है यहाँ आ जाएंगे बर्ड्स राइट right? यहाँ आ जाएंगे बैट्स यहाँ आ जाएंगे कई केसेस में हमने देखा है कि लिजर्ड वगैरह भी हेल्प कर देते हैं एनिमल्स बाकी एनिमल्स जैसे कि लिजर्ड ठीक है ये सब भी आ सकते हैं मंकी इंसान भी इंसान भी इवन यू यू ऑल्सो हेल्प इन पॉलिनेशन आप भी पॉलिनेशन में हेल्प कर सकते हो अब वी विल टॉक अबाउट द ए बायोटिक फैक्टर्स फर्स्ट पहले हम विंड पॉलीनेशन करेंगे ठीक है और जरा देखना कौन कौन से चीजों पर हमें ध्यान देना है किस किस पे क्वेश्चन पूछा जाता है विंड पॉलिनेशन बच्चों पहली चीज ठीक है विंड पॉलीनेशन यस ठीक है Wind pollination को और क्या बोलते हैं दिस इज ऑल्सो एज अनिमोफिली क्या बोलते हैं बच्चों इसको अनिमोफिली बोला जाता है ठीक है दिस इज नोन एज मैम इसको भी बोलते हैं आपने नहीं लिखा यहाँ पे एनीमोफिली भी बोला जाता है अब कुछ पॉइंट्स बताऊंगी ठीक है क्वेश्चन बच्चों उसके ऊपर आते हैं अदरवाइज एनसीआरटी तो, तो हमें सारी पढ़नी है सारी लाइंस पढ़नी है लेकिन थोड़ा सा समझ लो किस चीज के ऊपर क्वेश्चन आएंगे हर एक पॉलिनेशन में आपको पता होना चाहिए कि क्या स्पेशल कैरेक्टर है उस प्लांट के क्या स्पेशल कैरेक्टर है अब तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे हम बस और कुछ नहीं करना अगर किसी चीज को हवा में उड़ के जाना है ठीक है अगर किसी चीज को अगर तुम्हारे पॉलन ग्रेन्स को हवा में उड़ के जाना है तो क्या वो स्टिकी होंगे क्या वो चिपकते हुए जाएंगे कहीं या नॉन स्टिकी होंगे मैम कैज्मेमस में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता मैम <laughs> अच्छा बच्चों नेचर का उसूल है नेचर का रूल है कि चाहे कोई फ्लावर बाइसेक्शुअल भी क्यों ना हो उसमें नाइन्टी परसेंट चांसेस ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन होने के ये नेचर का रूल है नेचर सेर्फ पॉलीनेशन को हटाता है और क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करता है हम पढ़ेंगे ना आउट ब्रीडिंग डिवाइस कैसे जो बाई सेक्शुअल फ्लावर्स हैं उन्होंने अपने आप को किस तरह से अडाप्ट करा है कि वहां पे इंश्योर हो जाए कि पॉलिनेशन सिर्फ क्रॉस वाला ही हो तो बच्चों नेचर हमेशा फेवर करता है क्रॉस पॉलिनेशन इसलिए मैंने बोला कि उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा किसी भी बाइसेक्शुअल फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज नेचर ने फेवर करा है क्रॉस पॉलिनेशन को ठीक है बच्चों समझे मेरी बात क्यों बिकॉज आई वॉन्ट वेरिएशन क्योंकि मुझे वेरिएशन चाहिए है ना नॉन स्टिकी यस नॉन स्टिकी होंगे बिल्कुल पॉलन ग्रेन कैसे होंगे नॉन स्टिकी चिपक चिपक के थोड़ा जाएंगे हा पेड़ से ऐसे एंथर रप्चर हुआ पॉलन ग्रेन निकले फिर वो उन्होंने सोचा नहीं बाजू वाले पेड़ के टहनी के ऊपर मैं चिपक जाता हूँ नो दे आर 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 नॉन स्टिकी दे दे लाइट लाइट ठीक है क्या मुझे यहां पे पॉलन ग्रेन्स या फिर फूलों को रंग बिरंगा बनाने की जरूरत है बच्चों बताओ बोलो बोलो विंड पॉलिनेशन में यस विंड पॉलिनेशन बच्चों क्या मुझे फूलों को रंग बिरंगा बनाने की जरूरत है डू आई नीड टू मेक द फ्लावर कलरफुल इन केस ऑफ विंड पॉलिनेशन डू यू थिंक दैट विल बी गुड मूव प्लांट की तरफ से बहुत बढ़िया मूव होगा कि अच्छा मैं ज़रा आज हवा को रिझाता हूँ और अपने आप को रंग बिरंगा कर लेता हूँ नहीं स्टूपिडिटी है ठीक है फालतू में एनर्जी वेस्ट करना हवा को थोड़ा पता चलेगा यार तुम कैसे हो सो यू विल नॉट वेस्ट एनी टाइम इन प्रोड्यूसिंग दीज पिगमेंट्स इन प्रोड्यूसिंग दीज कलर्स क्यों मैं अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट करूँ प्लांट नहीं वेस्ट करेगा बिल्कुल नहीं वेस्ट करेगा ठीक है यस yes. ओके okay, लिखो तो ये दो तीन बातें लिख लो पहले फिर आगे बताती हूँ सबसे पहली चीज हमने क्या जानी कि भाई जो पॉलन ग्रेन होंगे बच्चों वो कैसे होंगे दे आर लाइट एंड नॉन स्टिकी ठीक है लाइट एंड नॉन स्टिकी डन ठीक है ओके यस हो गए <coughs> दूसरी चीज हम लिखेंगे यहां पे कि जो फूल हैं इवन द पॉलन ग्रीन ऑल्सो देर डल कलर डल कलर के होते हैं ठीक है थीके? तो नो 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 यस 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 ठीक है फ्लावर्स की मैं बात करूंगी यहां लिख देती हूँ फ्लावर्स डल कलर के हैं ठीक है बहुत मेहनत हमने मेहनत नहीं करी है यहां पर रंग डालने की कुछ जरूरत भी नहीं है भाई मेरे को किसको इंप्रेस करना है मेरे को किसको इंप्रेस करना ही नहीं है, है ना यस चलो ओके प्लीज लाइक द सेशन बच्चो इफ यू कैन दिस सीरीज इज इनफ 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 फॉर नीड कैन यू प्लीज हिट ऑन द लाइक बटन बच्चो इट विल गिव मी एटीपी ठीक है उससे मुझे एटीपी मिलेगा उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा उससे मुझे एनर्जी मिलेगा यस yes? हाँ आ जाओ पॉलन ग्रीन की बात कर ली हमने अब हम बात करेंगे कि भाई स्टिग्मा कैसा है स्टाइल कैसा है ठीक है स्टिग्मा और स्टाइल कैसा है जरा ये भी देख लें फ्लावर्स हमारे डल कलर के हैं ठीक है थीके? और कहीं कहीं पता है जो पॉलन ग्रीन होते हैं बच्चों विंग्ड भी होते हैं मैं बताऊंगी कहाँ पे होते हैं विंग यस आई टेल यू ठीक है यस तो यहाँ हम लिखेंगे स्टिग्मा कैसा है स्टिग्मा इज फैदरी ठीक है इट इज पैदरी और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ठीक है क्या है टैसल्स कॉर्न ठीक है भुट्टा सबने खाया है सबने खाया बच्चों भुट्टा सबने खाया मक्की जो होता है भुट्टा सबने ने खाया टेसल्स कॉर्न तो देखा उसमें कैसे टेसल्स होते हैं टेसल्स मतलब तो वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होते है? ऐसे ऐसे ये अगर भुट्टा है ठीक है तो इसमें ऐसे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं निकल रहे होते है? जिसको हम निकाल देते हैं ये क्या है यही तो है यही तो है आपका स्टाइल ठीक है ये आपका स्टाइल है बच्चों ये आपका स्टाइल एंड स्टिग्मा है ओके दिस इज योर स्टाइल एंड स्टिग्मा विच इज फेदरी इज फेदरी यस मैम इट इज माई फेवरेट अच्छा जी सो so, अब ये फेदरी क्यों है कभी देखा है लड़कियों ने देखा होगा ठीक है जब बहुत हवा चल रही होती है और जुल्फे हमारी लहरा रही होती हैं और मिट्टी भी उड़ रही होती है तो बच्चों मिट्टी हमारे बालों में फंस जाती है क्यों क्योंकि हमारे बाल हैं ऐसे फैदरी से ही है हमारे बाल भी है ना तो उसमें ट्रैप हो जाता है तो यहाँ पे भी क्या होता है यहाँ पे भी पोलन ग्रेन्स ट्रैप हो जाते हैं तो जैसे हवा चलेगी ना जैसे हवा चलेगी तो ये लहराएंगे बालों की तरह ये भी लहराएंगे एंड दे विल ट्रैप द पोल ग्रेन्स इसलिए द स्टिग्मा इज फैदरी स्टिग्मा एंड स्टाइल दोनों बच्चों स्टिग्मा एंड स्टाइल दोनों ही होते हैं फैदरी यस डन ओके आ जाओ ट्रैप कर लिया पोलन ग्रेन्स को भाई चलो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि पूछा भी जा चुका है दिस इज दीवाई क्यू बच्चों ओवरी इज पीवाई क्यू प्लीज याद रखना इनकी ओवरी में सिर्फ एक ओव्यूल होता है ठीक है मैम बॉयज का भी हाँ बॉयज का भी बिल्कुल बिल्कुल हम्म hmm, ठीक है यस yes, यस yes. ठीक है चलो <laughs> ये इंपॉर्टेंट बच्चों सिंगल ओव्यूल कहाँ मिलेगा मुझे इन केस ऑफ विंड पोलिनेशन ये पूछा जा चुका है यार क्वेश्चन सिम्बा सिंबा का क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल्स क्या है एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल का क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कंट्रोल जेड क्यों नहीं हो रहा इसको मैं नीचे रख देती हूँ एग्जाम्पल्स क्या है बच्चों मोस्टली ग्रासेस एंड जिम्नोस्पॉम्स आर द एग्जाम्पल अब ग्रासेस मतलब मैं मैं आपने ग्रासेस लिख दिया हम क्या सोचे ग्रासेस मतलब बच्चों राइस व्हीट मेज बार्ले जो भी आपकी क्रॉप्स होती है ना वो सब ग्रासेस में आती है पोएसी फैमिली में आती है दे ऑल बिलोंग टू पोएसी फैमिली ठीक है यस ओके ओके कम ऑन टेल मी कमान चल रही आउक है बच्चो इज इज क्लियर टू एवरी बॉडी आउं है इज इज क्लियर टू एवरी बॉडी यह बता दो ठीक है फिर देखो मैं भूल जाऊंगी कि मैं क्लास ले रही हूँ फिर मैं जैसे घर पे नौटंकियाँ करती हूँ ना फिर यहाँ पे शुरू हो जाऊंगी और फिर देख लो फिर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी यस नेक्स्ट पेप वी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन मैंने आपको ये भी बोला था कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें विंग्ड पॉलन ग्रीन्स बन जाते हैं जैसे कि यहाँ पे लिख लेना चुपके से साइड में विंग्ड पॉलन ग्रेन्स किस में मिलेंगे पाइनस में ठीक है किसमें मिलेंगे बच्चों पाइनस में पाइनस के पास विंग्ड पॉलन ग्रेन होते हैं कैसा होता है पॉलन ग्रेन ऐसा होता है ये इसके विंग्स हैं पंख लगा के उड़ जाएगा यस yes, पंख लगा के उड़ जाएगा तुम्हारा <coughs> पॉलन ग्रेन आगे बढ़ते हैं यस वाटर पॉलीनेशन वेरी इंपॉर्टेंट वाटर पॉलीनेशन वाटर पॉलिनेशन थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा क्योंकि इसमें हमें एक एग्जाम्पल भी करना है दैट इज वेलिसनेरिया उसको समझना है ओके आ जाओ वॉटर पॉलीनेशन ठीक है जी वॉटर पॉलीनेशन को क्या बोलेंगे बच्चों हाइड्रोफिली दिस इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोफिली ठीक है यस yes. लिखो हाइड्रोफिली भी इसको बोला जाता है वाटर पॉलीनेशन दो तरह का होता है या तो देखो कोई भी चीज़ है कोई भी प्लांट है या तो पानी के नीचे पॉलीशन कर लेगा या पानी के ऊपर आएगा पॉलीनेशन करने मतलब मैम आप क्या बोल रहे हो ये देखो ये है अगर वाटर बॉडी ठीक है ये अगर वाटर बॉडी अगर पॉलीनेशन यहाँ हो रहा है बच्चों तो मतलब पानी के अंदर हुआ अगर पॉलीनेशन यहाँ हुआ तो मतलब पानी के सर्फेस पर हुआ अगर पानी के सर्फेस पर हुआ तो आप उसको बोलते हो इपीहाइड्रोफिली अगर पानी के अंदर हुआ उसको बोलते हो हाइपोहाइड्रोफिली ठीक है यस yes, दो तरह का होता है इट इज ऑफ टू टाइप्स इपी एंड हाइपो हम हमें सिर्फ ये याद रखना है कि इपी किस में होता है और हाइपो किस में होता है क्योंकि इस क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है अब देखो यहां पे एक एक लाइन वो लिखवा रही हूं जहां से क्वेश्चन आ चुके हैं पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए बच्चों दैट इज कि वाटर पॉलिनेशन कॉमन है या रेयर है हाँ तुम बोलोगे मैम इतना पानी है मतलब हमारी धरती तो पानी से ही भरी पड़ी है सेवेंटी परसेंट इज वाटर So, water pollination तो वॉटर पॉलिनेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए नहीं बच्चों इट इज रेयर ठीक है इट इज रेयर यस क्या है इट इज रेयर तो लिखो इट इज रेयर ठीक है कितने जेनरा में होता है अनदर क्वेश्चन कितने जेनरा में होता है ओनली थर्टी जेनरा वो भी मोनोकॉट के ओनली फाउंड इन ओनली बच्चों थर्टी जेनरा किसके मोनोकॉट के थर्टी मोनो जेनेरा किसके मोनोकॉट के अनादर क्वेश्चन अनादर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है एक एक लाइन वो लिखवा रही से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं हैं और बन सकते हैं। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन आपको सिर्फ नाम लिख के पूछ लेंगे कि भी बताओ जोस्टेरा में क्या होता है बताओ वेलिस्रिया में कौन सा पॉलीनेशन होता है बताओ हाइड्रिला में कौन सा पॉलिनेशन होता है ठीक है यस yes. तो तुम क्या बोलोगे भाई हाँ इन तीनों में होता है तो यू विल राइट द एग्जाम्पल बच्चों हियर फॉर एग्जाम्पल वेलिस्रिया वेलिसनेरिया हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने वाले हैं क्योंकि अपने बुक में भी इसके बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं ठीक है देन यू हैव हाइड्रिला बच्चो देन यू हैव हाइड्रिला ठीक है एंड देन यू ऑल्सो हैव जोस्टेरा यू ऑल्सो हैव जोस्टेरा नाउ ठीक है आपको एक चीज यही बता देती हूँ कि जोस्टेरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपोहाइड्रोफिली वेलिसनेरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ इपीहाइड्रोफिली हाइड्रिला भी आपका हाइपो में ही आता है बच्चों हाइड्रिला भी हाइपो में ही आता है ठीक है थैंक यू श्रुति थैंक यू सो मच थैंक यू श्रुति बच्चे थैंक यू सो वेलिस नेरिया में हम यहां पे लिख सकते हैं दैट दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बच्चो इपी हाइड्रोफिली इपी हाइड्रोफिली जहां पर पॉलिनेशन होगा ऑन द सर्फेस ऑफ वॉटर पॉलिनेशन ऑन सरफेस ऑफ वाटर ठीक है बाकी दो क्या है बाकी दो आपके हैं हाइपो हाइड्रोफिली ये दो क्या है बच्चों दे बोथ आर हाइपो हाइड्रोफिली ठीक है पानी के नीचे ही होगा सबमस्ट है ये पानी के नीचे ही होगा वैसे सबमस्ट वेलीस्नेरिया भी है लेकिन इसमें एक बड़ी अमेजिंग सी चीज होती है बड़ी अलग सी चीज होती है इसमें ठीक है वो मैं बताऊंगी तुम्हें वो भी बताऊंगी अब बच्चों इसके अडेप्टेशन क्या है ये समझ लो ये जितने भी आपका हाइपो है ना चाहे हाइपो हो चाहे यू नो ऊपर हो रहा है चाहे पॉलिनेशन, चाहे पानी के अंदर हो रहा है सब में कुछ ना कुछ अलग तरीके पोलन ग्रेन्स होंगे पानी के अंदर अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो पॉलन ग्रेन का शेप अगर थोड़ा सा अलग हो जाए जिससे वो स्विम कर पाए तो बच्चों हेल्प होगी या नहीं होगी फटाफट से बताओ तो हेल्प होगी या नहीं होगी बोलो 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 अगर पोलन ग्रेन की शेप मैं थोड़ी सी स्पेशल कर दूं तो उनको तैरने में हेल्प होगी या नहीं होगी मान लो तुम खुद बताना अभी एक पोलन ग्रेन ऐसा गोल गोल दिख रहा है और एक पोलन ग्रेन ऐसा दिख रहा है इनमें से कौन सा शेप हम प्रेफर करेंगे फॉर योर हाइड्रोफिली बच्चों बताओ ए और बी विथ शेप विल यू प्रेफर विथ शेप विल यू प्रेफर बच्चों? कम ऑन अगर पानी के अंदर तुम्हें तैरना है बच्चों तैरने के लिए तुम इस तरह के होने चाहिए या इस तरह के होने चाहिए हाँ तुम पानी में तैरना चाहते हो ठीक है तो किस तरह का तुम्हारा शेप होना चाहिए वेरी गुड बी होना चाहिए तो यहाँ पर भी यही होता है यार सिंपल सी बात है ये लो हटा दो इसको यहाँ पे सबको सो यूल राइट यूल राइट वट वट रिबन शेड ठ ठ ठ ठ ठी एंड दे आर ऑल्सो दे आर ऑल्सो यू नो प्रोटेक्टेड बाई म्यूसिलेजनस कवरिंग ठीक है इनके ऊपर और क्या होता है बच्चो दे हैव म्यूसिलेजनस कवरिंग क्यों? क्योंकि अगर तुम सारा टाइम पानी में ही रहोगे तो पानी से भी प्रोटेक्शन चाहिए नहीं तो सड़ जाओगे तुम ठीक है क्यों है प्रोटेक्शन फ्रॉम वाटर इट विल प्रोटेक्ट फ्रॉम वाटर ठीक है नहीं तो तुम्हारा स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा सड़ जाओगे तुम yes ओके okay. ये बात हो गई हमने यहां पे पॉलन ग्रेन्स देख किस तरह के होते हैं नाउ नेक्स्ट चीज और क्या मैम इसमें हम ऐड कर सकते हैं और इसमें बच्चों तुम्हारे जो बुक है ना उसमें एक और चीज़ बात आ, की बात करी हुई है कि एल्गे ब्रायोफाइट्स उनमें भी ना पानी का यूज़ करके फर्टिलाइजेशन होता है पॉलीनेशन अलग चीज़ है फर्टिलाइजेशन अलग चीज़ है पॉलीनेशन का मतलब ये नहीं है कि फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगा पॉलिनेशन बच्चों आपका सिर्फ और सिर्फ उसका ये मतलब है कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है ट्रांसफ़र हो रहा है ट विल नॉट इंश्योर फर्टिलाइजेशन ठीक है लेकिन जो रेफरेंस दिया हुआ है एंजियो uh, सॉरी एलगे ब्रायोफाइटोफाइट का वो फर्टिलाइजेशन का दिया हुआ है तो दोनों का डिफरेंस समझ के करना है ठीक है यस ओके लव विद साइंस बच्चे प्लीज डोंट स्पैम लिख दो यहां मैं लिख रही हूं ब्रायोफाइट्स algae टेरिडोफाइट्स तीनों में क्या होगा बच्चों तीनों में होता है तुम्हारा <coughs> fertilization through water एंड फर्टिलाइजेशन अलग चीज होती है pollination अलग चीज होती है यस yes, बच्चों? हाँ ठीक है फर्टिलाइजेशन अलग चीज है पॉलिनेशन अलग चीज होती है यहाँ तो पॉलन ग्रेन बनते ही नहीं है टू लाइक इफ वी वी आर टॉकिंग अबाउट देम यहाँ तो पॉलन ग्रेन्स ही नहीं बनते पॉलन ग्रेन्स तो जाके तुम्हारे जिम्नोसफॉम में बने थे तो ये तो पॉलिनेशन तो यहाँ होता ही नहीं है ओके यस ओके डन जी डन इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं बच्चों इस चैप्टर से चार से पांच क्वेश्चन आ जाते हैं तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ठीक है चलो अब एक और क्वेश्चन है मेरा एक और क्वेश्चन है मेरा वॉटर लिली ये क्वेश्चन भी आया हुआ है वॉटर लिली वॉटर हाई सबके नाम में वॉटर वॉटर चल रहा है ठीक है वाटर हाई बच्चों इनमें कौन सा पॉलिनेशन होता है वॉटर पॉलिनेशन होता होगा ना है ना वॉटर पॉलिनेशन होता होगा ना एम आई राइट और रॉन्ग क्या मैं सही हूं या गलत हूं मुझे लगता है वाटर लिली और वाटर हाइसिन में वाटर पॉलिनेशन होता होगा क्योंकि इनके नाम में वाटर लिखा हुआ है बोलो <coughs> बोलो, बोलो बोलो हाँ कई बच्चों ने लिख दिया आंसर सही वेरी <laughs> गुड वेरी गुड वेरी गुड नो मैम आप गलत बोल रहे हो येस yes. <laughs> मैं गलत बोल रही हूँ बच्चों इनमें कभी भी वॉटर पॉलिनेशन नहीं होता आपने कभी वॉटर लिली के फूल देखे हैं बच्चों वॉटर हाईसिंथ के फूल देखे हैं इतने सुंदर फूल होते हैं इनके दे हैव ब्यूटिफुल फ्लावर्स वाई आर दे स्पेंडिंग सो मच एनर्जी सो मच पिगमेंट टू यू नो फॉर्म दीज ब्यूटिफुल फ्लावर्स बिकॉज दे वॉन्ट टू अट्रैक्ट समथिंग इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए देखे कभी वाटर लिली के इतने सुंदर फ्लावर्स होते हैं ठीक है वाटर हाइसिंथ के भी फ्लावर इतने सुंदर होते हैं क्यों बच्चों अगर कोई चीज आपने कलरफुल बनाई है अट्रैक्टिव बनाई है इसका मतलब आप किसी को लुभा रहे हो यहां पे आप किसको लुभा रहे हो इंसेक्ट को ठीक है तो या तो इंसेक्ट से होता है या फिर बच्चे विंड से हो जाता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है ठीक है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ठीक है यस यस ओके चलो विंड पॉलिनेशन बिल्कुल अच्छा विंड एंड इंसेक्ट दोनों होता है दोनों 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 क्वेश्चन में दोनों लिखा हुआ था अब हम बात करें वेलिसनेरिया की ठीक है अब हम बात करेंगे वेलिसनेरिया की नाउ विल we'll टॉक अबाउट वेलिसनेरिया वेलिसनेरिया एक हमारा यहां पे केस स्टडी समझ लो तुम वेलिसनेरिया के बारे में क्या स्पेशल है देखो बच्चों पहले तो हम बनाएंगे मेल और फीमेल प्लांट इसका अलग होता है ठीक है इसका मतलब ये क्या है मेल और फीमेल अगर अलग है तो ये क्या हुआ बच्चों डाइशियस हुआ दैट मीन्स इट इज डाइशियस तो मैंने बना दिया ये रहा मेल प्लांट हाँ चलो मेल और फीमेल एक साथ ही बनाती हूँ पहले फिर तुम्हें दूसरा केस दिखाऊंगी ये रहा मेल प्लांट ठीक है एंड दिस इज योर फीमेल प्लांट लेट अस से दिस इज द फीमेल प्लांट ठीक है चलो ये रहा मेल प्लांट अब मेल प्लांट के भी फूल बनेंगे कुछ तो ये लोग इसके फूल बना दें हाँ जी मैम बना दो ये लो बच्चे मैंने बना दिया मेल के फूल ठीक है फीमेल के भी बना देते हैं आ जाओ फीमेल के फूल हम बनाएंगे किस कलर के दे बना दें कोई बढ़िया सा कलर बताओ यार चल मैं गुड कलर ओके आई यूज दिस वन ओ ये तो ये तो सेम ही हो गया भाई ये तो सेम ब्लू कलर के बना रही हूँ मैं चलो ठीक है ये बना दिया मैंने फीमेल फ्लावर राइट अब यहाँ लिख भी लेते हैं कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है दिस इज बच्चों मेल ठीक है एंड दिस इज फीमेल ये क्या है पानी के अंदर है ये पानी के अंदर डूबे हुए हैं ये लोग पानी के अंदर है दे आर इन द वॉटर ठीक है कैन यू सी आप एक चीज पे नजर जरा डाल सकते हैं तो देखो इसका जो ये पेडिसल है ना बच्चों इट इज कॉइल्ड कैन यू सी कॉइल्ड पेडिसल कैन यू सी कॉइल्ड पेडिसल बच्चों? फीमेल फ्लावर का जो पेडिसल होता है वो कॉइल्ड है देख रहे हो तुम कैसे स्प्रिंग की तरह कॉइल्ड है ठीक है तो लिखो कॉइल्ड डिसल है इसका यस yes. अब ये अब ये पता क्या होगा जैसे ही मेच्योर होंगे ये अपने यहां से टूट के ऊपर पहुंच जाएंगे मेल फ्लावर टूट के ऊपर पहुंच जाता है एंड फीमेल क्या करता है अनकोयल हो जाता है क्योंकि बच्चों तो फीमेल फ्लावर टूट नहीं सकता अगर वो अपने मेन प्लांट को छोड़ के टूट जाएगा तो आगे एम्ब्रियो कैसे बनेगा ठीक है आगे सीड कैसे बनेगा उसको तो यहाँ रहना ही पड़ेगा ठीक है तो चलो क्या होगा अब जब पॉलिनेशन होता है तो क्या होता है पॉलिनेशन so, आकर्ज ना इसको यहाँ पहुंचा देते हैं अब हम दूसरा देखते हैं पॉलिनेशन होगा तो क्या होगा लेट्स सी सो जब पॉलिनेशन होगा <coughs> ये रहे अपने मेल फ्लावर्स दिस वॉज द मेल प्लांट फिर से बनाती हूँ ये था बच्चों आपका मेल प्लांट ठीक है एंड <coughs> ये था आपका फीमेल प्लांट देख रहे हो मैंने इसे अन कर दिया राइट एवरी बडी विल रीच द सर्फेस ऑफ वाटर पानी के ऊपर पहुंच जाएगा फीमेल फ्लावर भी और मेल फ्लावर भी तो जब होगा यहाँ पर पॉलिनेशन बच्चों ठीक है जब मेरे यहाँ आ गए ये लो, ये आ गए मेल फ्लावर्स बच्चों ऊपर आ गए टूट के यहाँ से कहाँ गए ऊपर आ गए ठीक है इधर आ गए राइट right? एंड यहां बना देते हैं हम फीमेल फ्लावर इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं फिर ठीक है ये चारों तरफ इसके चक्कर लगाते हैं एंड इस चक्कर लगाते लगाते क्या होगा बच्चों ये चक्कर लगाते लगाते यहाँ पे हो जाता है पॉलिनेशन ठीक है यहाँ पे हो जाता है पॉलीनेशन समझ में आया? समझ में आया? कुछ पता चला क्या हो रहा है ठीक है सो नॉर्मली इट हैज कॉइल्ड पेडिसिन जब ये मेच्योर हो जाएगा बच्चों तो कै, कैसे ऊपर आ गया देखो कैन यू सी दिस ऊपर आ गया और ये, ये बेचारे यहां से टूट के ऊपर आ गए मेल फ्लावर्स टूट के ऊपर पहुंच गए और ये अनकॉइल्ड हो गया समझे मैम आपका फेवरेट फ्लावर कौन सा है माई फेवरेट फ्लावर इज बच्चो वाइट लिली ठीक है मेरा फेवरेट फ्लावर है वाइट लिली जिसमें से खुशबू आती हो ए, ऐसे नकली वाले लिलीज भी मिलते हैं जिसमें खुशबू नहीं आती तो मुझे वो अच्छा लगता है जो जिसमें खुशबू आती है ठीक है यस यस ओके डन डन बच्चों ठीक है मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ मेल फ्लावर्स ऊपर आ गए डिटैच हो गए ठीक है मेल फ्लावर्स डिटैच हो गए ऊपर आ गए मेल फ्लावर्स डी डिटैच का क्या स्पेलिंग होता है डिटैच <laughs> देख लेना भाई मेरे को याद नहीं आ रहा डिटैच फ्रॉम द अ प्लांट रीच द सर्फेस ठीक है सरफेस पे पहुंच जाएंगे पहुंच गए ना सरफेस पे एंड बच्चों ये जो फीमेल का पेडिसल था पेडिसल अनकॉयल्स और फीमेल फ्लावर भी ऊपर आ गया ठीक है फीमेल फ्लावर भी ऊपर आ गया ठीक है वो मैंने ठीक ही लिखा फिर डिटैच का स्पेलिंग वेरी गुड थैंक यू ओके यस तो क्या हुआ बच्चों मेल फ्लावर यहाँ से डिटैच होके ऊपर आ गए क्योंकि देखो मेल जो स्ट्रक्चर होता है उसका काम सिर्फ पॉलिनेशन तक होता है उसके बाद वो उसके साथ कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है अब उसके बाद ये मर जाए सड़ जाए गल जाए वी डोंट केयर एक बार पॉलीनेशन हो गया तो बस हमारा काम हो गया ठीक है ये हो गया पॉलिनेशन ये हो गया पॉलिनेशन बच्चों ठीक है पॉलिनेशन या फिर एक वर्ड यहां पे यूज करा जाता है एंथेसिस वी यूज अ वर्ड एंथेसिस व्हाट इज एंथेसिस <coughs> यहां पे हम एक वर्ड यूज करते हैं वेलिसनेरिया के लिए वर्ड इज बचो एंथेसिस आपको किसी पी वाई क्यू में मिल सकता है वॉट इज एंथेसिस एंथेसिस इज ओपनिंग ऑफ द बर्ड ओपनिंग ऑफ बर्ड एंड रिलीज ऑफ पॉलन्स मैं आपको एक्चुअली बताती हूं क्या होता है ये यहां पे तुम्हारे फूल हैं इधर तुम्हारे फूल हैं फूले फूले है, टूट गए टूट के ऊपर पहुंच गई ये मेल फ्लावर बता रही हूँ मैं टूट के ऊपर पहुंच गया ऐसे ऊपर आ गया ठीक है ऐसे ऊपर आ गया जब ऊपर आया ना बच्चों तो ये ओपन हो जाता है ओपन होगा और इसके अंदर जो पोलन uh, ग्रेन्स थे वो बिल्कुल फोर्स से आके ना ऐसे आजू बाजू के फीमेल फ्लावर्स के ऊपर लैंड कर जाते हैं यस ठीक है ओके इसको हम बोलते हैं एंथेसिस ओपनिंग ऑफ बड एंड रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन्स तो आपके मेल फ्लावर्स नीचे थे डिटैच हुए ऊपर आ गए ऊपर आ गए ऊपर आ गए और फिर एकदम से ओपन हो जाएंगे एंड दे विल रिलीज द पॉलन ग्रेन्स और इतनी जोर से पॉलन ग्रेन्स रिलीज करते हैं कि बाजू वाले बाजू वाले फीमेल फ्लावर्स के ऊपर लैंड कर जाएगा डन <laughs> ठीक है ठीक है यस yes, बच्चो वेरी गुड स्नेहल स्नेहल मुझसे बोल रही मैम फिर बाद में जो फीमेल फ्लावर है वो फिर बाद में बच्चों फीमेल फ्लावर फिर से नीचे पहुंच जाएगा फिर से कॉइल करेगा नीचे पहुंच जाएगा हो गया डन डन दिस वॉज अबाउट वेलीस्नेरिया बच्चो ये वेलीस्नेरिया की कहानी थी ठीक है चलो अब हम थोड़े बहुत और भी कर लें थोड़े से एग्जाम्पल्स और हैं वो करते हैं एंड देन विल बी डन पॉलिनेशन भी अपना खत्म हो जाएगा अब बायोटिक पे आ जाते हैं इंसेक्ट पे आ जाते हैं कुछ भी नहीं है अब तो ईजी है इंसेक्ट्स इंसेक्ट Insect का जो पॉलिनेशन है? है उसको क्या बोलते हैं एंटोमोफिली दिस इज नोन एज एंड फिली ठीक है इसको क्या बोला जाता है बच्चों एंटोमोफिली डन अब यहां कौन कौन आ जाएगा बीज एग्जाम्पल लिख लो पहले ठीक है बटरफ्लाई बहुत ही बच्चों वाली बात बटरफ्लाई ओके okay, और क्या फ्लाइज बीटल फ्लाइज आ जाएंगी बीटल आ जाएंगी बच्चों वाली बातें मौत आ जाएगी ये सब क्या करते हैं ये सब पॉलीनेशन कराते हैं ठीक है लेकिन जो पॉलीनेशन हो रहा है ना मेरे यहाँ यहाँ पे मेरे फ्लावर होंगे बच्चों एट्रैक्टिव सो द फ्लावर्स हेयर आर ब्यूटिफुल दे आर कलरफुल दे हैव फ्रेगरेंस सब कुछ होगा क्यों क्योंकि तुम क्योंकि तुम किसी को अट्रैक्ट करने वाले हो ठीक है यस सो देर इज अबंडेंट नेक्टर ठीक है अगर किसी को बुला रहे हो उसको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड भी तो देने पड़ेंगे है ना नहीं तो नहीं आएगा वो ठीक है फ्रेगरेंस यस दूसरी चीज बच्चों द फ्लावर्स आर कलरफुल ब्राइट कलरफुल ब्राइट फ्लावर्स लुभाना है किसको तुम्हें इंसेक्ट्स को बुलाना है एंड अंत में क्या लिखोगे पॉलन ग्रेन्स आर स्टिकी ठीक है स्टिकी पॉलन ग्रेन्स राइट स्टिकी पॉलन ग्रेन्स आपको यहां मिलने वाले हैं और कुछ भी नहीं करना है इसमें यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनी थिंग एल्स एन में आपको जो प्लांट इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं उसके एग्जाम्पल नहीं दिए हुए हैं तो बच्चों आपको नहीं लिखने ठीक है आपको नहीं पूछा जाएगा इतना काफी है अब आ जाओ बर्ड्स पे बर्ड्स जो पॉलिनेशन करते उसको बोलते हैं ऑर्निथो ऑर्निथोफिली ऑर्निथोफिली और ऑर्निथोफिली में क्या होगा यहां पर भी आपके पास नेक्टर होगा यहां पर भी आपके पास क्या कहते हैं जो पॉलन ग्रेन्स हैं बच्चों वो स्टिकी होंगे ठीक है ये सब कुछ पॉइंट से लिख लो नेक्टर होगा स्टिकी पॉलन ग्रेन्स होंगे राइट बच्चों फ्लावर्स थोड़े बड़े होंगे एंड जो फ्लावर्स है ना ट्यूबुलर कोरोला होगा ट्यूबुलर कोरोला मतलब ऐसे फ्लावर्स होंगे देख रहे हो ताकि जो बर्ड है ना इसके अंदर अपनी बीक डाल के नेक्टर को सक करके चली जाए ठीक है सो so, मोस्टली ऐसे रहते हैं मोस्टली ऐसे रहते हैं मोस्टली ऐसे रहते हैं ऐसे रहते है बच्चों ठीक है चलो यस yes. यस ठीक है चलो डन 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 ठीक है तो फूल अपना इस तरह का होगा ट्यूबुलर रहता है मोस्टली क्योंकि मेरे जो बर्ड्स हैं वो अपनी बीक अंदर यू you नो know, डाल के वो सक करके लेके जा सकते हैं नेक्टर्स को एक चीज़ यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है फ्लावर्स बच्चों नेक्टर है स्टिकी पॉलन ग्रेन है वो सब कॉमन है कॉमन है कॉमन फ्लावर्स के पास फ्रेग्रेंस नहीं होता ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्लावर्स डू नॉट है फ्रेगरेंस क्यों भाई हमने इन फूल में खुशबू क्यों नहीं डाली आपने देखो ना सारे फूलों से खुशबू नहीं आती बच्चों कुछ फूल ऐसे भी जिससे खुशबू नहीं आती हाँ बेल शेप या ट्यूबुलर एक ही बात है बच्चे हाँ बोलो 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 यस मैम मैम जी क्यों बच्चों क्यों नहीं हमने खुशबू डाली यहाँ पे क्योंकि जो बर्ड्स है ना उनको खुशबू आती ही नहीं है दे हैव अ सेंस ऑफ स्मेल तो अब अगर किसी को खुशबू ही नहीं आती तो फिर उस फूल में खुशबू डालने की जरूरत क्या है यस द बर्ड्स दे हैव पुअर सेंस ऑफ स्मेल बर्ड्स हैव पुअर सेंस ऑफ स्मेल ये याद रख लेना बस और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है ठीक है जी चलो अब आगे एक और टाइप पढ़ते हैं अनदर टाइप इज बच्चो बैट्स ठीक है अनदर टाइप इज बैट्स बैट्स से अगर हो जाए उसको बोलते हैं कायरो टेरो दैट इज नोन एज कायर टेरोस इसको क्या बोला जाता है केस में क्या होंगे बड़े बड़े फूल होंगे क्यों क्योंकि बैट भी बहुत बड़ा है उसको बहुत बड़े फूल चाहिए ना बैठने के लिए नेचुरली द फ्लावर्स आर लार्ज फ्लावर्स अबंडक्टर यहां पर भी होगा इधर भी होगा ठीक है पॉलन ग्रेन टिक्की इधर भी होंगे बच्चों वो सारे कंडीशन यहां पे भी है लेकिन यहां पे एक और चीज है ठीक है यस फ्लावर बिल ओपन एट नाइट वेरी गुड और जो फूल हैं उनसे स्मेल बहुत बढ़िया आती है बच्चों कैसी स्मेल आती है सड़े हुए, सड़े हुए सड़े हुए सड़े हुए फ्रूट की स्मेल आती है कैसी स्मेल आती है सड़े हुए फ्रूट की स्मेल आती है सब ठीक चल रहा है ना लैग तो नहीं हो रहा मुझे बता दो मैं मुझे ना थोड़ा दिख नहीं रहा है इसमें बच्चों प्लीज लेट मी नो ठीक जा रहा है ना देर इज़ नो लैग ओके ठीक है यस 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 ऑल राइट यस ठीक है बच्चों आ जाओ ठीक है रॉटन फ्रूट लाइक स्मेल होगी उनको अच्छी लगती है भैया स्मेल किसी को जज नहीं करना उसको अच्छी लगती है ये स्मेल, तो ऐसी स्मेल बनाएंगे ना ये फूलों की ओके okay, चलो ठीक है रॉटन फ्रूट लाइक स्मेल होगी बच्चों तीसरी चीज अपन यहां क्या लिखेंगे फ्लावर्स ओपन एट नाइट ठीक है फ्लावर्स दे ओपन एट नाइट डन ठीक है चलो अब एक दो एग्जाम्पल्स और दिए हुए हैं उनको हमें लिखना ज़रूरी है ठीक है कभी कभी बच्चों रॉड जो आपके चूहे होते हैं बंदर होते हैं रेप्टाइल्स वो भी करवा देते हैं पॉलिनेशन लेकिन हमें दो एग्जाम्पल लिखने हैं ठीक है थीके? कुछ स्पेशल एग्जाम्पल है जो हमें मैंशन करने हैं अमोरफो फेलस फॉर एग्जाम्पल अमोरफो फेलस ठीक है example, phallus, ये जो आपका प्लांट है ना इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो कितना होता है बहुत बड़ा इन्फ्लोरेसेंस होता है कुछ छः फुट का इन्फ्लोरेसेंस होता है इसका सो इट हैज़ द लार्जेस्ट इन्फ्लोरेसेंस ये जो फ्लावर है ना दिस ऑल्सो एमिट्स बहुत ही गंदी स्मेल आती है इस प्लांट से जब इसकी फ्लावरिंग होती है उस स्मेल से अट्रैक्ट होके बच्चों इंसेक्ट आते हैं इसके अंदर अपने एग्ज ले कर देते हैं ओवी पोज पोजिशन कर देते हैं ठीक है एग्ज ले कर देते हैं यस है ना सो इंसेक्ट ले एग्स इनसाइड इनफ्लोरसेंस ओके okay? और इस तरीके से यहां पे पॉलिनेशन हो जाता है कॉज पॉलिनेशन ये याद रखना है अमॉर्फोफेलस का एग्जाम्पल इंसेक्ट के साथ है जो यहां आके एग ले करते हैं जब वो बच्चों बाहर निकल रहे हैं तो पॉलिनेशन करा जाते हैं ठीक है जब वो अंदर आ रहे हैं या बाहर जा रहे हैं तो पॉलिनेशन करवा के चले जाते हैं वन थिंग ये हो गया दूसरी चीज ज अ प्लाट नोन एज यका ठीक है देर इज अ प्लांट नोन एज यका ठीक है यका एंड मौत का बच्चों बहुत ही गहरा दोस्ताना है इनका म्यूचुअलिज्म का भी एग्जाम्पल है्यूचुअलिज्मी है दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ बच्चो म्यूचुअलिज्मे क्या है ये मौत अपना लाइफ पूरा नहीं कर सकती यका के बिना ये मौत हमेशा आके इसी के फ्लावर पे ठीक है इसी के फ्लावर में एग को डिपॉजिट करती है किसी और के पे नहीं करती ठीक है तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया इनका दोस्ताना है ये भी क्या करेगी लेज एग कहाँ या का पे ठीक है तो जब आई एग ले करने के लिए तभी भी पॉलिनेशन हो सकता है जब जाएगी तभी भी हो सकता है जब इसके जो क्या कहते हैं एक फिग और उसका भी है बच्चों एक फिग और मौत का भी है वो भी यहाँ लिख लो अनदर एग्जाम्पल जो आप इकोलॉजी में पढ़ते हो अनदर एग्जाम्पल इज फिग एंड मौत ये भी क्या है म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है ये दोनों भी एक दूसरे के बिना अपना लाइफ साइकिल नहीं पूरा कर सकते यहां पर भी आपका ठीक है यस yes. यहां पर भी आपका क्या होगा बच्चों ये इसी के फ्लावर में आके अपने एग्स को ले करती है ठीक है तो पॉलिनेशन हो जाएगा एंड दूसरी बात जब इसके एग ग्रो करेंगे छोटे छोटे से इंसेक्ट आएंगे तो वो इसके इसके सीड के ऊपर फीड भी कर लेते हैं दोनों का फायदा हो रहा है दोनों का फायदा हो रहा है यस ओके ठीक है तो इससे ज्यादा पॉलिनेशन मत कर लेना दिस इज इनफ मैंने देखा है बच्चों को बहुत ज्यादा पॉलिनेशन पे ही मतलब जी पी एच डी कर लेंगे पॉलीनेशन पे अरे एक क्लास में एक पीएचडी काफी है यू डोंट हैव टू डू पी एच डी ऑन पॉलीनेशन ठीक है तो मोर्फो फेलेस याद रखिये ना बच्चों एंड यका इन मॉथ एंड फिग इन मॉथ इंपॉर्टेंट येस ठीक है ओके ओके हाँ ठीक है बच्चों फिग एन मॉथ को भी याद रखना म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है वो भी उन्होंने भी अपना पार्टनर चूज करा हुआ इजी के साथ पॉलिनेशन करना है, किसी और के साथ नहीं करना है done? So now we are done with pollination. And आपके नोट्स अपलोड हो जाएंगे डॉक्टर गार्गी सिंह चैनल पे आपके नोट्स अपलोड हो जाएंगे ठीक है चलो ओके एंड बच्चों आप मेरे साथ प्लस पे जुड़ सकते हो गार्गी कोड लगा लेना ठीक है दीज आर योर पैकेजेस अभी आपको ट्वेंटी परसेंट ऑफ मिल रहा है और मेरा ट्वेंटी फोर के लिए एंड ट्वेंटी थ्री दोनों के लिए बैच चल रहा है बच्चों दोनों के लिए बैच चल रहा है वहाँ पे आपको पी डी एफ टेस्ट टेस्ट का एनालिसिस एवरीथिंग इज़ वेरी वेल प्लान एंड स्ट्रक्चर ठीक है यू कैन ऑल्सो गो फॉर पर मंथ बच्चों आप ई से भी पे कर सकते हैं एंड दिस इज़ अ स्कॉलरशिप जो आपका आने वाला है ए आठ और पंद्रह को होने वाला इसमें भी आप इनरोल करा सकते हैं कोड लगा लेना गार्गी इफ यू आर प्लानिंग टू टेक एडमिशन इन ऑफलाइन सेंटर्स वहाँ पर भी ये कोड चल जाएगा बच्चों डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में भी यू कैन एनरोल एंड वेन यू यूज द कोड गार्गी विल गेट समिस्काउंट ठीक है बच्चों ठीक है यस यप ओके सात बजे मिलते हैं वी विल ऑल्सो मीट एट सेवन पी एम बच्चों विल डू द क्वेश्चन इसी के क्वेश्चन करेंगे ठीक है इसके सारे क्वेश्चन कर लेंगे Okay. Chalo macho, take care bye bye. I'll see you at 7.